हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, बोला गया एग्जांपल 7 में ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी मेरा कोई लाइन सेगमेंट है जिस पे कोई पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन द ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी की अपोजिट साइड है जिस पे कोई पी क्यू है, दो पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम इज़ ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हैं ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब जितना मेरा ए पी है उतना ही मेरा कोने बी पी है, जिसको मैंने सिंगल डैश से दिखाया। ठीक है फ्रेंड, सिमिलरली जो मेरा क्यू पॉइंट है वो भी ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब जितना मेरा बी क्यू उतना मेरा ए क्यू। ठीक है, शो दैट पी क्यू इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑन ए बी। सिद्ध करो जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ए बी का, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री भी एंगल बनाता है और साथ ही साथ ए बी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि जितना मेरा ए सी होगा उतना मेरा बी सी होगा। ये बात मेरे को सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन पार्ट, जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दिया है। ठीक है, मेरे पास एक लाइन है ए बी जिस पर पी क्यू पॉइंट है इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। दो ट्रायंगल ले लिए जिसमें ए पी बराबर बी पी के हैं, ठीक है, और ए क्यू बराबर बी क्यू के हैं। क्यों है ये पॉइंट? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पी और क्यू इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी से। पॉइंट पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, बिंदु पी और क्यू समदूरस्थ हैं ए और बी से। ठीक है फ्रेंड, इस वजह से दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये तो गिवन था मेरे पास। इसके अलावा अब क्वेश्चन मेरे को प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि जो मेरा पी क्यू है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू लंब समद्विभाजक है ए बी का। फ्रेंड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा, सिद्ध करना है मेरे को कि जितना मेरा ए सी है उतना ही मेरा बी सी है। एक स्टेटमेंट तो ये प्रूफ करनी है, दूसरी स्टेटमेंट ये प्रूफ करनी है कि पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, यानी ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, ये दोनों मेरे कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री के। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मेरे को ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए फ्रेंड मैं दो अलग अलग ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, पहला ट्रायंगल मैं ये लेता हूँ, ठीक, ये तो हो गया मेरा पहला वाला ट्रायंगल जिसका नाम है पी ए क्यू, और दूसरा वाला ट्रायंगल पी क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए फ्रेंड। देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। पी क्यू इसमें भी आ रहा है, पी क्यू इसमें भी आ रहा है, पी क्यू दोनों में आ रहा है, इस वजह से कॉमन पार्ट हुआ, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू और बी पी क्यू में ए पी इक्वल है बी पी के। ये बात क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, या फिर हम लिख सकते हैं नंबर वन भी ले सकते हैं, ए क्यू बराबर है बी क्यू के, सेम रीज़न हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा, पी क्यू पी क्यू दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? कॉमन, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी पहली साइड आई, फिर मेरी साइड आई और फिर मेरी साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी पी क्यू के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्रिटेरियन के थ्रू क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं एक दूसरे के,
बाय सी पी सी टी होता है, ठीक है। तो मेरा ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। शॉर्ट में समझने के लिए मैंने नंबर वन और नंबर टू दे दिया कि एंगल वन बराबर होगा एंगल टू के बाय सी पी सी टी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसलिए सारे पार्ट इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, बट मेरे को जरूरत सिर्फ इसकी है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, इसे नंबर दे दिया मैंने तीन, ठीक है। देने के बाद अब मैं लूँगा एक दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने क्या लिया, जो मेरे ऊपर तो छोटे वाले ट्रायंगल है इन दोनों को मैं लूँगा यहाँ पे, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को, तो मैं इनको यहाँ बना लेता हूँ, एक छोटा वाला ट्रायंगल ये रहा और दूसरा वाला ये रहा, इसका नाम है पी ए सी पी सी बी, दोनों ट्रायंगल को ले लिया। ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था, और अभी अभी मैंने प्रूफ किया फ्रेंड कि जो मेरा ये एंगल था इसे मैंने एंगल वन दिया था, इसे एंगल टू दिया था, एंगल वन बराबर एंगल टू के है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया एंगल वन बराबर किसके एंगल टू के है, ठीक है। ये मेरा दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, पी सी इसमें भी आ रहा है, पी सी इसमें भी आ रहा है, तो इस रूप से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी सी पी, दोनों ट्रायंगल ले लिए, ए पी इक्वल है पी पी के, ये बात क्वेश्चन में गिवन थी, दिया है। फिर एंगल वन बराबर एंगल टू के है, ये बात मैंने प्रूफ किया फ्रॉम थ्री, फ्रॉम थ्री समीकरण तीन से। तीसरा रीज़न, पी सी इसमें भी आ रहा है, पी सी इसमें भी आ रहा है, ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट, यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है फ्रेंड। तो पहले आई मेरी साइड, फिर आया एंगल और फिर आई मेरी साइड, ठीक। इस रूप से ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी सी बी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्रिटेरियन के थ्रू, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर फ्रेंड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। नाम लिखने बजाय मैं नंबर देता हूँ, इसे नंबर तीन, इसे नंबर चार, एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के बाय सी पी सी टी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे उनके सारे पार्ट इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी, इसे नंबर मैंने चार ले लिया। लेने के बाद फ्रेंड ये जो मेरी लाइन है ए, ठीक है, अच्छा ये पार्ट हो गया, एक पार्ट और यूज़ करेंगे इसके अंदर। अगर ए सी है वो मेरा इक्वल किसके होगा, बी सी के, ये भी क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी, इसे नंबर मैंने क्या दे दिया, पाँच दे दिया, जो कि क्वेश्चन में क्या था, गिवन था ना कि प्रूफ करना था कि ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना था कि ये 90 डिग्री भी बनाता है, इक्वल वाली कंडीशन तो कर दी, अब 90 डिग्री वाली कंडीशन पे चलते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए सी बी ये मेरा एक स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल, इसके दो पार्टीशन हो रहे हैं, ये जा रहा पी, इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, जबकि मैंने इनको मार्किंग दे रखी है थ्री और फोर, ये थ्री है और ये फोर है, मैंने ऊपर लिख रखा ना थ्री और फोर, ये दोनों मेरे थ्री और फोर एंगल है। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए सी पी, ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, दोनों का जोड़ 180 डिग्री, रीजन में लीनियर पेयर, यानी कि रेखिक युग्म, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट में समझो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। फिर मैंने यूज़ किया यूजिंग फोर समीकरण चार से। देखो तीन बराबर चार के, चार बराबर तीन के, किसी भी एक को रिप्लेस कर लो, मैंने तीन की जगह कितना लिख लिया चार, चार प्लस चार बराबर 180। देखो ये टू टाइम्स ऑफ एंगल फोर आ रहा है, ऐसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड बाय टू, ये मेरा कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का। जितना एंगल फोर होगा उतने कोनों का एंगल थ्री होगा,
दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के, यानी कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी दोनों के दोनों मेरे 90 डिग्री के आ गए। अगर दोनों 90 डिग्री के हैं और साथ ही साथ मैंने प्रूफ कर दिया था कि ए सी बराबर बी सी के हैं, यहाँ देखो मैंने करा था ए सी बराबर बी सी के है, तो इससे सिद्ध होता है कि मेरा जो पी क्यू है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ए बी का, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।